अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो हाय, वेलकम टू माय चैनल विद इतने दिनों के बाद वाले व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्पेशली अफसाना एंड मरियम आपी। और यहाँ पे आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से, और यहाँ पे मैं नाश्ता करने के बाद छेड़छाड़ कर रही हूँ अपने मोबाइल से, और व्लॉग्स देखने लगी थी। यहाँ पे मैं किसके, मरियम आपी के देख रही थी और लाइफ विद फातिमा उनके देख रही थी। मेरे ना मैंने कुछ ही चैनल्स रखे हुए हैं जिनके मैं व्लॉग्स देखती हूँ, और मुझे वो होती है क्रेजीनेस होती है सुबह नाश्ते के टाइम के मैं साथ नाश्ता करूँ और साथ कुछ ना कुछ देखूँ, वरना मेरा नाश्ता जो है वो हज़म नहीं होता। जिस तरह मेरी छोटे बहन भाई कार्टून लगा के देखते हैं ना, तो मैं इस तरह ये चीज़ें लगा के देखती हूँ। उसके बाद ना रात को आई हुई थी मेरी कज़न तायबू की बड़ी बेटी, यानी कि हमारी सबसे जेठी आपी। तो वो ना रात को फिर हम लोग बातें वगैरह करते हुए लेट हो गए, तो फिर ऐसे ही ना सो गए थे। तो अब सुबह मैंने सोचा रूम की सफाई कर लेते हैं, ऊपर से जो घर में लगा हुआ है काम, तो मज़दूरों के ना खाने का टाइम भी हो चुका था। तो मैंने जल्दी जल्दी अपना लंच, अपना नाश्ता फिनिश किया, और उसके बाद मैं ये क्रीम है लाइट एंड ग्लो वालों की, मैंने अपनी सिस्टर से मंगवाई है। तो आजकल मैं वजू वगैरह करके ये लगा लेती हूँ, बिकॉज गर्मियाँ आ रही हैं ना, तो फिर फेस पे ना पहले ड्राइनेस होती थी, तो अब तो नहीं होती, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे फेयर एंड लवली जो है वो सूट नहीं करती। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सूट कर गई है, वन वीक हो चुका है मैं वजू करके लगा लेती हूँ, तो मुझे कोई दाना कोई पिम्पल नहीं निकला, और ये कोई आपका ना रंग चिट्टा घोड़ा नहीं करती, ये जस्ट डेली रूटीन के लिए है। उसके बाद ना मैंने करनी थी मम्मा की वैक्स, तो मैं देख रही थी कि वैक्स बहुत है, वरना दूसरी जो न्यू वाली है वो ओपन करूं, तो मैं यही वैक्स यूज़ करती हूँ। ये आ जाती है 200-250 रुपए की, और एकदम से ना अच्छी तरह आपकी वैक्सिंग जो है वो हो जाती है, कोई आपको ज़रूरत नहीं है 1000, 1500, 2000 की ना वैक्स ब्रांडेड लेने की। एक्चुअली जो चीज़ आप यूज़ करते हो ना उसको ख़ुद ब्रांड बनाना चाहिए, ना कि लंडे वाली चीज़ उठा के ले और बंदा कहे कि अभी ब्रांड है तो अभी ब्रांड है। फिर जो ये है मेरे चाय का कॉप कॉप और मैं जा रही थी बाहर किचन में, उनके साथ काम करते हैं, साथ चाय पीते हैं, और घर का आप हाल देख सकते हैं कि अभी तक काम जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि बाबा जब आते हैं ना तो अपनी निगरानी में ही सारा काम करवाते हैं। तो मम्मा ने यहाँ पे ना बॉक्स वगैरह वॉश करके रख दिए थे सूखने के लिए, और हमारा फर्श जो है ना मार्बल, उसका सत्यानाश हो चुका है क्योंकि बन रहे हैं ऊपर वाले थर्ड पोर्शन बन रहा है, तो सारा जो सामान है ना वो नीचे से जाता है। फिर मम्मा ने ना मुझे कहा था कि तुम ना भाई के आने से पहले पहले ना, क्योंकि फिर वो यूनिवर्सिटी से आता है ना वो वेट नहीं करता, कि तुम ना सारे बर्तन वगैरह निकाल के रख देना, खाना मम्मा ने बना दिया था, तो फिर बस भाई आता है जी, तो फिर हम मजदूरों को जो है वो खाना सर्व कर देते हैं, और क्योंकि यार इतनी मेहनत होती है नीचे वाले पोर्शन से ऊपर सारी चीज़ें लेके जाना। और मैं तो कहती हूँ सबसे ओखा जो काम है ना, ओखी मेहनत है वो यही है, और मैं इतना कोई दिल दुखता है ना, मैं कहती हूँ मुझे तो अल्लाह पाक इतना दे इतना देना कि मैं इन सबको ना इस तरह के ज़्यादा मेहनती वाले ना काम ही ना करने दो, क्योंकि मुझे पता है ना मैं ज़रा सी चीज़ उठाती हूँ तो मेरी बॉडी में इतना पेन होता है, तो ये तो फिर भी ईंटे और सीमेंट वगैरह है। तो बस जी कहते हैं ना हलाल में है जो बरकत है। खैर मेरी गप्पे शप्पे तो चलती रहेंगी, आप सब सुनाएं आप सबकी लाइफ में क्या हो रहा है और क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। और अब मैं आ गई थी दूसरे रूम में, बिकॉज अब मैं करती हूँ स्टिचिंग, तो मेरे स्टिचिंग का जो सारा गंद बलाया ना सामान, सीजर इधर पड़ी होती है, इंचटेप इधर पड़ा होता है, तो मम्मा फिर मुझे डांटती है, और स्पेशली मेरी हैंड फ्री। अच्छा किस किस से जो है वो हैंड फ्री ख़राब होती है, मुझसे बहुत ख़राब होती हैं, और मैंने अभी परसों भाई को मैसेज किया है कि मेरी हैंड फ्री फिर ख़राब हो गई है, मम्मा वाली भी, तो कहता तेरा कुछ नहीं बन सकता। उसके बाद ये सौंफ और किशमिश है, मतलब मीठा, मतलब हर रूम में ना कहीं थोड़ा थोड़ा मीठा पड़ा होता है, बिकॉज़ मेरा बीपी बहुत जल्दी लो हो जाता है और मुझे कुछ ना कुछ फिर मीठा चाहिए होता है। और ये जो मैं आपको दिखा रही थी ना, ये बना, इसको क्या बोलते हैं यार, एल्फी टावर या जो कुछ, ये मेरी बर्थडे पर मेरी कज़न ने मुझे गिफ्ट किया था, तो मुझे बहुत याद आती है उनकी। अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे, उनको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इससे पहले आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, यार आप लोग भी क्यों सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं तो इतने व्लॉग कम डालती हूँ। उसके बाद ना मैं और मेरी सिस्टर आ चुके थे धर्मपुरा बाज़ार में, और हम लोगों ने कुछ लेने थे अबायाज़, अबाया लेने थे, यार अबायाज़ क्या होता है
अच्छा ज़्यादा फॉर्मल बनने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ना हम लोग अबाया देख रहे थे कि कौन सा लें और कौन सा ना लें। आजकल ज़्यादा सिंगल पेयर वाले आए हुए हैं, मतलब जो स्टफ़ है ना उसके नीचे लाइनिंग नहीं है। तो ब्लैक और ब्राउन मैंने सिस्टर को बोला ले लो, कहते हैं नहीं यार ये बड़े पहने हुए हैं, अब ना कुछ डिफरेंट ट्राई करना है। तो उसको ना कलरफुल जो अबायाज होते हैं ना वो बड़े पसंद है। तो मैं यहाँ पर बस ना देख रही थी, क्योंकि हम लोग जब भी मतलब कुछ लेते हैं ना तो मम्मा ने ना अपनी अपनी शॉप रखी हुई है, तो फिर मम्मा जो शॉप पर जाती है ना तो हम भी चले जाते हैं। हम कहते हैं अंकल मम्मा मम्मा, बस मम्मा का नाम लो तो चीज़ें ना फिर खुद ब खुद सेट हो जाती है, क्योंकि बड़ों को जो है वो एक्सपीरियंस होता है, वरना हम जैसे करना तो ठग लेते हैं, मुझे तो बहुत ही ठगते हैं। उसके बाद जी फिर हम लोग अबाया लेके आ गए। हम लोगों ने लिए थे दो कि तीन अबाया हम लोगों ने लिए थे, और एक उसके बाद ना फिर हम लोग सदर आ गए, बिकॉज हम लोगों ने लेने थे शूज़। और मेरी बहन को तो जोगर का जो स्नीकर्स और जोगर्स होते हैं ना उनका बहुत ही क्रेज़ है, वो जूती वगैरह नहीं पहनती। तो यहाँ पे मैंने अपने हाथ देख रहे थे कि बिकॉज मेरे यरकान से ना इतनी पिलाहट हुई हुई थी ना, पता नहीं क्यों मेरा यरकान रिकवर होने पर आता ही नहीं है, आई डोंट नो वाई। खैर फिर भी जीना तो है, जब तक अल्लाह पाक ने ज़िंदगी रखी हुई हम लोगों ने जीना है। तो यहाँ पर ना मेरी सिस्टर ट्राई कर रही थी, बिकॉज़ यूनिवर्सिटी जाती है तो इसको होता है कि बस ना मतलब हर मंथ इसके शूज़ न्यू ही न्यू हो, मतलब इसने ना हर मंथ तीन शूज़ लेने होते हैं, स्नीकर्स ले ले या जोगर ले ले। तो फिर लेती भी ये वाइट ऑफ वाइट, मतलब लाइट लाइट कलर है, मैं कहती हूँ थोड़े डार्क लो ताकि वो गंदे ना हुआ करें, लेकिन ये लाइट कलर लेती है। उसके बाद मैं आ चुकी थी घर और मैं बना रही थी फ्रूट चाट, बिकॉज ऐसे ना फ्रूट बास्केट में पड़ा रहा तो कोई भी उठा के काट के खाने की जहमत नहीं करता। तो फिर मैं ना काट के फ्रूट चाट बना लेती हूँ शाम के टाइम, बिकॉज शाम के टाइम ही रात के खाने के बाद ना सब इकट्ठे होते हैं, तो फिर मैं बना देती हूँ। और यहाँ पे ना मुझे मेरी सिस्टर मैसेज कर रही थी, डेली इसका काम होता ही मुझे ना मैसेज करके पूछती होती है कि आज खाने में क्या बनाए, क्योंकि और भाई ना आते हैं फिर लेट, तो भाई आता है दोपहर को और फिर वापस चला जाता है, और फिर खाने के टाइम ना आते हैं। तो बस जी फिर ना मैं चाट मसाला और चीनी डालती हूँ फ्रूट चाट में, और फिर बस दूध डाल देती हूँ, इसके अलावा मैं फ्रूट चाट में कुछ भी नहीं डालती, तो इतना मज़े का बनता है। और यही सारे ना शौक से खाते हैं, क्रीम वाला जो है वो ज़्यादा हैवी हो जाता है। उसके बाद ना मैं अंदर चली गई थी और मैं आपको दिखाने लगी थी जो हम लोग अबाया लेके आए। एक सिस्टर पहन गई थी और ना बाकी दो जो थे वो घर में थे, तो मैंने सोचा मैं आपको ये दिखा देती हूँ। अच्छा ये जो है ना ये पीच कलर गाजरी कलर जो होता है ये वो था, सिंगल पीस था ये, इसके नीचे ना लाइनिंग नहीं थी, तो मैंने फिर ना लाइनिंग वहीं से ना टेलर को देख के लगवा ली थी, कि मुझे ना लाइनिंग वाले अच्छे लगते हैं, सिंगल पीस ना मुझे अच्छे नहीं लगते, ये मेरा अबाया था। इसके साथ ना मैंने लिए थे दो बेल्ट, वो बेल्ट भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी शायद इस व्लॉग में शायद नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि मैंने दो व्लॉग आज बनाए हैं। तो ये मेरा था, तो ये बहुत अच्छा, मतलब इसका फ्लेयर जो था ना वो बहुत खुला था। और ये जो आपको लाइट पर्पल कलर दिख रहा है ये सिस्टर का था, एक्चुअली ना हम दोनों ही ऑपोजिट करके पहन लेते हैं एक्सचेंज वगैरह करके, तो ये वाला भी बहुत अच्छा था। और अभी जो थर्ड है ना वो अंगूरी कलर का है, लेकिन वो जब सिस्टर ने पहना तो वो रोशनी में ना आंखों में चुभन वाला कलर लग रहा था, सेम स्टाइल यही है वो भी। तो अब हम सोच रहे हैं कि ना वो दे के ना चेंज करवाएं, क्योंकि वो कलर ना आंखों में बहुत चुभन सा हो रहा है, तेज़ कलर लग रहा है। तो ये थे जी दोनों अबायाज। तो कभी कभी यही होता है ना कि अच्छा कि क्रेज़ होता है लड़कियों को हर चीज़ का, कि वो ना चीज़ें जो पसंद है ना वो ज़्यादा ही हो। तो बस हम लोगों का ये यही हाल है कि अगर कोई चीज़ पहननी है ना तो बस उसका ढेर सारा स्टॉक कर देना और फिर उसको पहननी है। और बस यही था मेरा चुनो मना सा व्लॉग, होप्स आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब कर देना यार। अब कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर जो है वो व्लॉग्स डालूँ और ड्रेस डिज़ाइनिंग के वीडियोस भी डालूँ और वगैरह वगैरह। और इसी दौरान में ना मेरी बर्थडे भी गुजर गई जो कि 17 फेब को थी, और इस बार किसी ने सेलिब्रेट नहीं की, बिकॉज घर के सेलिब्रेशन हो रहे हैं ना तो किसी को मेरी बर्थडे याद ही नहीं है। तो खैर कोई गल नहीं, उसके बाद ना रात का टाइम था, कोई बज रहे थे 12:01, तो यहाँ पे मैं खा रही थी माल्टा, और बस फिर ना माल्टा खा के मैं सोने लगी थी। और क्योंकि अभी मुझे ज़ुकाम हो रहा है, मैं जिस दिन माल्टा खाती हूँ अगले दिन मुझे ज़ुकाम हो जाता है, पता नहीं की गल है।
तो खैर खाना तो फिर भी है, क्योंकि कहते हैं कि सर्दियों में ना माल्टे बहुत अच्छे से खाने चाहिए, आपकी फेस पे जो छाइयाँ और स्पॉट्स होते हैं ना वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरे फेस पे तो अल्हम्दुलिल्लाह छाइयाँ वगैरह है नहीं, सिर्फ पिंपल्स के ना ब्राउन स्पॉट्स हैं थोड़े थोड़े, तो वो ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर मैं अपनी मानो को कह रही थी, मानो आज तुम भी माल्टा खा लो, मानो भी आजकल बीमार हुई है। तो ये देखिए लाइटिंग से ना इसकी आँखें कैसे होती हैं ठा करके, और माशाल्लाह हमारी मानो ना सब कुछ खा लेती है आजकल। तो मानो खा रही है ब्राउन ब्रेड विद द न्यूटेला चॉकलेट लगा के, दोनों बड़े मज़े से खाती है। तो बस जी बेज़बानों से भी प्यार करना चाहिए, और हमें तो प्लीज़ मानो से बहुत प्यार है, तंग भी करती है बहुत ज़्यादा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।